सो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.6 है और क्वेश्चन में गिवन है क्लोजली वॉन्ड सोलेनाइड ऑफ 200 हंड्रेड टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिक्स इंटू टेंस टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वेयर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलॉन्ग इट टू टर्न इन होरिजोनटल प्लेन ऐसा होरिजोनटल प्लेन में वो रोटेट कर सकता है ए पार्ट यहां पर तो पर हमको उसका magnetic moment find करना है। first वाला a part हम सॉल्व कर रहे हैं और magnetic moment M जो होगा वो हमको पता है, NIA होता है कितना है होता है मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए तो एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है टू थाउजेंड आई का वैल्यू यहाँ पर फोर एम्पियर दे रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन पॉइंट सिक्स इंटू टें टू पावर माइनस फोर दे रखा है ओके okay, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा टू थाउजेंड इंटू सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेंडरस टू पावर माइनस फोर आगे मल्टीप्लाई करेंगे टू का सिक्सटी फोर में तो टू फोर जा एट और टू सिक्स जा ट्वेल्व इंटू टेंड्रेस टू पावर माइनस वन बचेगा क्योंकि माइनस थ्री यहाँ प्लस थ्री यहाँ से और माइनस फोर यहाँ से तो माइनस वन बचेगा इसको हम वन पॉइंट टू एट भी लिख सकते हैं और यूनिट होगा झूल uh, पर टेस्ला भी लिख सकते हैं या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओके okay, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ बी पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं बी पार्ट में क्या गिवन है बी पार्ट में गिवन है व्हाट इज द नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलर इफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू पावर माइनस टू टेस्ला सेटअप एट एंगल थर्टी डिग्री विद विथ दोलोनाइट विद एक्सिस ऑफ सोलोनाइट तो एक्सिस जो सोलोनाइट का एक्सिस है ये सोलानाइड है और इसका एक्सिस मतलब एम और होर्डोजोटल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है बी और दोनों के बीच का एंगल कितना है थर्टी डिग्री है ओके okay. तो यहाँ पर अगर हम फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स कितना होगा फोर्स तो ज़ीरो होगा है ना अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सोलोनाइट को या बार मैग्नेट को रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है ज़ीरो टॉर्क की बात करें तो वो होगा एम बी साइन थर्टी डिग्री है ना तो टॉर्क एम का वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं वन पॉइंट टू एट और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेवन पॉइंट फाइव इंटू पावर माइनस टू दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वन बाई टू सॉरी साइन थर्टी हो जाएगा वन बाई टू तो ये फिर से ज़ीरो पॉइंट सिक्स फोर इंटू इसको सेवन पॉइंट फाइव को हम लिख सकते हैं कितना सेवेंटी फाइव बाई टेन मतलब कि सेवेंटी फाइव बाई टेन ओके इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस टू है ना तो इसको और अच्छे से सिम्प्लीफाई कर लेते हैं है ना ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहे इसलिए हम ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ज़ीरो पॉइंट सिक्स फोर इन टू ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव और यहाँ पर आ जाएगा टेन थाउजेंड क्योंकि टेंड्रस टू पावर माइनस टू नीचे जाके वन थाउजेंड हंड्रेड बनेगा तो यहाँ पर uh, हम इसको ट्वेंट टी फाइव से कैंसिल करते हैं तो ये थ्री टाइम कैंसिल होगा और ये फोर्टी टाइम कैंसिल होगा ओके okay, तो इसको हम अगर फोर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट वन सिक्स और ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर एट डिवाइडेड बाई टेन तो हमारा आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो फोर एट छूके तो टॉर्क हो जाएगा जीरो पॉइंट हम लिख सकते हैं फोर पॉइंट एट इंटू टें पावर माइनस टू Okay, that is the torque. Thank you very much.